मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से एक बेहद ही अमेजिंग ट्रिक, जिसको यूज करके आप 31 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर्स बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे 28 है मेरे 130 डेज चैलेंज का। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, क्या आपने सच में नहीं देखा? कोई बात नहीं, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ मैं आई बटन पर उसका लिंक डाल देता हूँ, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। एंड अगर आज की इस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात करूँ तो आज भी काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है क्वांट का आज के पढ़ाई के लिए। हालांकि मैं आज एक घंटा लेट उठा, 6 बजे के बजाय मैं 7 बजे आज उठा। अब और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मैं सीधा जाता हूँ अपने डे प्लान की ओर, करता हूँ आज की डे प्लानिंग, मिलता हूँ मैं आपसे डे प्लान के बाद। तो आई एम रेडी विथ माई डे प्लान। अभी बिना टाइम वेस्ट के मैं जाता हूँ सीधा पढ़ाई करने। और आज का अभी का मेरा पहला जो टास्क है वो है मुझे एवरेजेस पढ़ना है, तो मैं एवरेज पढ़ने जा रहा हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। अभी 10:30 बजने वाला है और मैंने आज का अपना पहला जो मेरा टास्क था एवरेजेस मुझे पढ़ना था, वो मैंने पढ़ तो लिया है, बट थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है मुझे, कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसमें और टाइम देना पड़ेगा मुझे। तो अभी 10:30 तो बज चुका है, तो मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी है, तो अभी मैं पहले तो जाकर करूँगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नहाने जाऊँगा, एंड मम्मी ने मुझे एक छोटा सा काम दिया है, मुझे आटा सानना है, तो अभी पहले जाकर मैं आटा सानूंगा, उसके बाद नहाऊँगा, फिर करूँगा ब्रेकफास्ट। तो मिलता हूँ मैं आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी 12 बज गया है और मैं रेडी हूँ अपने दूसरे टास्क को स्टार्ट करने के लिए। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं नहा चुका हूँ और मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। हालांकि मेरा प्लान था 11 बजे ही बैठने का, बट चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई एज यूजुअल। तो अभी जाता हूँ मैं पढ़ाई करने, मिलता हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से एक बेहद ही अमेजिंग ट्रिक, जिसको यूज़ करके आप 31 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर्स बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हो। वेट, इस ट्रिक की ना एक छोटी सी नीड है, वो नीड ये है कि आपको ना 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पर एक आपकी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। देखो, आपको याद तो करना पड़ेगा, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स को याद करने का मुझे तो कोई ट्रिक नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे याद करो, तो जैसे मैंने याद किया मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया कि मुझे 20 तक का याद था, तो मैंने 21 से लेकर 30 तक का स्क्वायर्स को लिख लिया एक जगह, एंड मैं रोज़ उसे 10 मिनट पढ़ता था, डेली पढ़ता था, लगभग 4-5 दिन मैंने पढ़े तो वो चीज़ मुझे याद हो गया। आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अभी सीधा चलता हूँ मैं अपने ट्रिक्स की ओर। तो सबसे पहले मैं 51 से लेके 80 के बीच वाले नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड करने का तरीका बताता हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर 67 लिया है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्टेप वन में मुझे ये देखना है कि ये जो 67 है वो 50 से कितना ज़्यादा है। तो 67 - 50 इज इक्वल्स टू होता है 17, राइट? तो 67 50 से 17 ज़्यादा है, राइट? तो लास्ट डिजिट क्या होगा इस 67 के स्क्वायर का? 17 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 289, तो लास्ट डिजिट होगा 89, राइट? 89 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, एंड जो यहाँ पे 2 है वो हम कैरी ओवर कर लेंगे, राइट? स्टेप 2 में क्या करना है आपको, सिंपली 25 से ऐड करना है 17 को और जो 2 जो हमारा कैरी ओवर था उसको, तो रिजल्टेंट क्या आता है 44। तो ये होगा हमारा पहला 2 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट होगा 89। तो 67 का स्क्वायर क्या होगा, 4489। सिंपल। इस ट्रिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर 76 का। अगर आपको 76 के स्क्वायर को फाइंड करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा क्या,
कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। तो 76 माइनस 50 आप करते हो तो आता है 26। तो लास्ट टू डिजिट क्या होगा 26 का, अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आता है 76। तो यानी कि 76 का होल स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 76। और यहाँ पर 6 हम कर लेंगे कैरी ओवर, राइट। स्टेप टू में क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे 25 में 26। अब ये 26 तो आपको पता ही है, 76 माइनस 50 से आया है, और 6 कहाँ से आया है, 6 जो हमने कैरी ओवर लिया है 26 के स्क्वायर से, ठीक है। सिंपल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आता है 57। तो पहला दो डिजिट हो जाएगा 57 और लास्ट टू डिजिट हो जाएगा 76। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल आसान तरीका है। इसको यूज़ करके आप बड़े ही आसानी से 51 से लेके 80 तक के बीच का किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो अब हम उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो 31 से लेके 50 के बीच है, और उनके आप स्क्वायर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर 41 लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये 50 से कितना कम है, राइट। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, 50 से ये कितना ज़्यादा है, लेकिन अब हमें क्या देखना है, ये 50 से कितना कम है। तो 50 माइनस 41 होता है 9, यानी कि लास्ट टू डिजिट ऑफ 41 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर। यानी 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 81 होगा, राइट। तो लास्ट टू डिजिट होना चाहिए उसका 81। एंड स्टेप टू में क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे 25 से। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर हम माइनस 9 को ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 से कम है, राइट। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो हम ऑब्वियसली ऐड करते, राइट। तो 25 माइनस 9 प्लस 0। अब ये 0 कहाँ से आ रहा है, 0 है क्योंकि हमने स्टेप वन का कैरी ओवर कुछ था ही नहीं, स्टेप वन में कुछ तो था ही नहीं कैरी ओवर, तो हमने 0 लिया। तो टोटल कितना हो गया 16, यानी कि फर्स्ट टू डिजिट ऑफ 41 का स्क्वायर क्या होगा 16, एंड लास्ट टू डिजिट होगा 81। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 36 का स्क्वायर का। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि 50 से 36 कितना कम है, राइट। तो 50 माइनस 36 हो गया 14, ठीक है। तो लास्ट टू डिजिट 36 के स्क्वायर का क्या होगा, 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो होता है 196। तो लास्ट डिजिट क्या होगा 96। स्टेप टू में क्या करना है, इसको 25 में ऐड करना है माइनस 14। माइनस 14 क्यों ऐड करना है, क्योंकि 36 जो है वो 50 से 14 कम है, राइट। तो यहाँ पर हो गया 25 प्लस ब्रैकेट माइनस 14 प्लस 1। 36 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट होगा 96 एंड फर्स्ट टू डिजिट हो गया 12। तो इस तरीके से आप 31 से लेके 50 तक के बीच के नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं 81 से लेके 100 के बीच वाले नंबर्स के स्क्वायर्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है 82, राइट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 100 से 82 कितना कम है। तो 100 माइनस 82 होता है 18, ठीक है। अब आपको 18 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 82 के स्क्वायर में चार डिजिट होंगे, पहला दो डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट। तो लास्ट टू डिजिट विल बी 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का जब स्क्वायर हम करते हैं तो आता है 324। तो 24 क्या होगा, लास्ट टू डिजिट ऑफ 82 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप टू में क्या करना है आपको, 82 में ऐड करना है माइनस 18। अब ये माइनस 18 क्यों ऐड करना है, क्योंकि 82 जो है वो 100 से 18 कम है, ठीक है। प्लस 3, अब ये 3 कहाँ से आ रहा है, स्टेप वन में जो हमने 18 का स्क्वायर निकाला है उसमें 24 तो हमने उसके लास्ट डिजिट के लिए लिख दिया, बट ये जो 3 है ये हम कर लेंगे कैरी ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे 82 कहाँ से आ रहा है, 82 वो ओरिजिनल नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस केस में हमें 82 का स्क्वायर फाइंड करना है। सपोज अगर 86 का स्क्वायर फाइंड करना होता तो यहाँ पर 82 के जगह 86 लिखते। तो स्टेप टू में हमने लिखा है 82 प्लस ब्रैकेट माइनस 18 प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास वैल्यू 67। यानी कि 82 के स्क्वायर का फर्स्ट टू डिजिट होगा 67, लास्ट टू डिजिट होगा 24। तो इसी तरीके से आप 81 से लेकर 100 के बीच के किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल यूं फाइंड कर सकते हो। तो इसी ट्रिक के साथ मैं आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो।